हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो विद प्रशांत में। और मैं प्रशांत भटनागर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा कौन सा रजिस्ट्रेशन है जिसको कराने के बाद हमें नेशनल लेवल पे हम काम कर सकें, अपनी ब्रांचेस को दे सकें और उसमें ज़्यादा मेंबर का भी झंझट ना हो। और जैसे सोसाइटी और ट्रस्ट में होता है और हमने चाहते सोसाइटी ट्रस्ट को बनाना, तो हम ऐसा कौन सा रजिस्ट्रेशन कराएं जिसमें हम अपने फैमिली मेंबर को भी इंक्लूड कर सकें, तो वो ऐसा कौन सा रजिस्ट्रेशन है। तो इस वीडियो में पूरा मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी बताऊंगा, कितना टाइम लगता है, कहाँ से बनवा सकते हैं, पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो मैं आपको रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ वो होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी होती है, इसको आप करा सकते हो। ये आपके MCA यानी कि मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपके रजिस्टर्ड होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। ये यहाँ से कंपनी सारे इंडिया में आपकी रजिस्टर्ड हो सकती है। और इस कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के बाद आप इनके पोर्टल पर अपनी कंपनी को चेक कर सकते हो और कोई भी बंदा उसको चेक कर सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें है, इसमें सारा ट्रांसपेरेंसी है, ऑनलाइन रहता है और बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या रहती है रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आप 2 मेंबर से इसको स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 2 डायरेक्टर इसमें हो सकते हैं। शेयरिंग पैटर्न आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कितना कितना रखना है आपको। ठीक है, और एक इसमें इसके बाद एक बैंक अकाउंट आपका कंपनी के नाम से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें एक करंट अकाउंट आपको बनवाना पड़ेगा और उसमें आप अपना पूरा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो 2 मेंबर के आपके आधार, पैन एंड उनके जो आपके लेटेस्ट बिल, जो रजिस्टर्ड ऑफिस आपको बनाना है उसका लेटेस्ट बिल यानी कि गैस का कनेक्शन हो सकता है या फिर आपका इलेक्ट्रिक बिल का कनेक्शन हो सकता है, उसका आपको बिल देना है। और आपका जो दोनों मेंबर हैं उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी लेटेस्ट एंट्री का आपको स्टेटमेंट देना होता है। इतना सब करना होता है। इसमें 2 DSC बनते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, वो भी इसमें जरूरी होते हैं। इसके बाद आपको कंपनी का पैन 10 नंबर आपको मिल जाता है। अब इसमें 15 से 20 दिन का प्रोसेस लग सकता है। ठीक है, कई कई का जल्दी हो जाता है, कई का थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है नेम अप्रूवल। तो सबसे पहले आपको नेम अप्रूवल करना पड़ेगा, यानी नेम अप्लाई करना पड़ेगा और वो यूनिक होना चाहिए। आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा यूनिक हो, क्योंकि वही तभी वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो मिल सके। तो आप एक यूनिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो यूनिक वर्ड को उसमें आप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद नेम अप्रूवल के बाद पूरी प्रोसेस होती है, पूरी कंपनी रजिस्ट्रेशन में 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट इंडिया से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको आप फ्रेम करके अपने सेंटर पर लगा सकते हो और फिर ऑल ओवर इंडिया काम कर सकते हो। अब ये कंपनी का फायदा क्या है? कंपनी का फायदा ये है कि आपका सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड आप लिख सकते हो और जो भी आप काम कर रहे हो एजुकेशन के साथ दूसरा भी काम इसमें सर्विस को ऐड करवा सकते हो। ठीक है, फ्यूचर में कभी आपको कोई मेंबर वगैरह को चेंज करना है वो भी इजीली इसमें हो जाता है और इसमें आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट यही रहता है। और अब इसको आप कहाँ बनवा सकते हो? इसको आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA से बनवा सकते हो। और अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और वहाँ ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं तो आप हमारी कंपनी ऑल काइंड सॉल्यूशन से आप बनवा सकते हो। मैं पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ भी आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा अपना नंबर और वेबसाइट, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने बहुत सारी कंपनियां करवा दी हैं अभी तक रजिस्टर्ड, ऑल ओवर इंडिया में हम काम कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है, बहुत लोगों को ये डाउट होगा भाई हम तो आसाम में रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं, हम आंध्र प्रदेश में रहते हैं, तो ये पूरा काम ऑनलाइन है। ये आपका ऑनलाइन होता है और कहीं भी आप हो वहां से आप इजीली आप करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको किसी ऑफिस में जा चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद आप अपना सेंटर चलाइए या फिर आप अपनी ब्रांचेस दीजिए, कुछ भी काम आप कर सकते हो। इसमें इतना रहता है कि आपको एक बैंक अकाउंट आपका कंपलसरी है खुलवाना, और इसके बाद ऑडिटिंग इसमें मतलब अकाउंटिंग ऑडिटिंग वगैरह इसमें करानी जरूरी है, क्योंकि ऑडिटिंग और आपकी अकाउंटिंग होना कंपलसरी है, इसको आपको जरूर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना रहता है। बाकी कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, अपना नंबर शेयर कर सकते हो या जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं आप उनसे भी कॉल करके हमसे गाइडेंस ले सकते हो। हम आपको पूरा गाइड कर देंगे कैसे से क्या काम करना है, क्या प्रोसेस है, और हमने जो वर्क कराया है हम आपको शेयर कर देंगे, जिससे आपको एक तरीके से बिलीव आएगा कि ये काम कर सकते हैं।
ठीक है। तो और जिस बंदे से भी कराओ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उससे पहले उसने जो काम कर रखे हैं उनका आप एक तरीके से सैंपल जरूर मांग लें कि आपने किस बंदे से किसका करवाया, किस पर्सन का, आप प्रूफ दिखाइए, ठीक है। तो क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं काम कर रहे हैं बट उन्हें पता नहीं कैसे काम करना है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आपका अमाउंट भी चला जाता है और उस चक्कर में जो अच्छे लोग हैं वो फिर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सबको फिर एक ही नज़र से देखा जाता है कि वहाँ पैसा चला गया तो ये भी पैसा हमारा चला जाएगा। तो कहीं भी आप काम करवाइए, हमसे करवाइए या किसी से करवाइए, आप पहले प्रूफ देख लीजिए कि इन्होंने कहाँ कहाँ काम कर रखा है और किस किस आपका एजुकेशन के सेक्टर में कर रखा है, कहाँ कर रखा है, तभी आप उनसे करवाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं यहाँ स्टॉप करते हैं, आगे कुछ और डाउट और किसी टॉपिक पे या फिर कोई आपकी कोई प्रॉब्लम होगी उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।